हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। गाइस, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में डिस्कशन किया है। फॉर लूप क्या होता है, उसमें जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो सिंगल लूप का इस्तेमाल किया है, अभी हम लोग यहाँ पर चूंकि नेस्टेड लूप का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम लोग यहाँ पर सिंगल लूप कैसे वर्क करता है उसका यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके गाइस, ये हमारी टर्बोक सी खुली हुई है। हमने अपने लास्ट वीडियोस में आपको इंस्टॉलेशन ऑफ सी के बारे में बताया हुआ था कैसे उसको इंस्टॉल करना है। और तो यहाँ पर जाके फाइल पे हम लोग न्यू करेंगे, F5 कर देंगे ताकि बड़ी स्क्रीन आ जाए। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम कमेंट करके राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर बिटवीन 1 to 10। ये हमारा एक प्रोग्राम है जो हम लोग फॉर लूप से बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हेडर फाइल, stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। अब क्या करना है, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर i। अगर आप इसके फॉर लूप में जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फॉर लूप में जितने भी आपके पास सिंटैक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल दिए थे, अगर आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू फॉर लूप। तो आपको ये जो मैं लिख रही हूँ वो मतलब आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे क्या लिख रही हूँ। चूँकि हमको जो नंबर इनपुट करना है वो 1 से लेकर 10 तक के बीच में लिखना है, तो मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि हम लोग का फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, फॉर के बाद हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन लगाते हैं, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन। यानी सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सोर्स से बताते हैं, फिर उसके बाद टारगेट बताते हैं, टारगेट का मतलब है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम क्या होता है, ये हमारे सोर्स से लेकर टारगेट तक पहुँचाने में हमारी मदद करता है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे शुरुआत करेंगे, फॉर स्टार्ट किया, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, सोर्स हमारा 1 है, सेमी कोलन, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई का इंक्रीमेंट। और अब यहाँ पर चाहे तो हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंटएफ से परसेंटेज डी और थोड़ा सा स्पेस या स्लैश टी लगा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेसेस आ जाए। और यहाँ पर हम लगा देते हैं आई, सिर्फ हम यहाँ पर आई की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लगा दिया गेट सी एच और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से कर दिया बंद। अब इसको जब हम लोग कंपाइल कराएंगे, तो मैंने इसको कंपाइल कराया, ये सक्सेस दिखा रहा है, इसके बाद रन कराते हैं तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखिए, अभी तो हमारा सोर्स ए 1 था और टारगेट 100 था, अगर हम इसी वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो हमें यहाँ भी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 100। अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, सक्सेस, उसके बाद रन कराते हैं। अब देखिए, ये पूरा आपका 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, यानी 1 to 100 तक की काउंटिंग को प्रिंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि अगर आप सपोज यहाँ पर इंक्रीमेंट का अगर केस आता है, तो इंक्रीमेंट में अगर हम यहाँ पर कर दें i+(2) कर देते हैं, अगर हम ये कर देते हैं तो ये क्या करेगा, फिर से हम कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं, तो देखिए इसने क्या किया, 1 3 5 7 9 ये सब वैल्यूज़ दे रहा है। तो ये एक प्रकार से कैसी वैल्यूज़ दे रहा है, ये आपकी ऑड वैल्यूज़ दे रहा है। किस तरह की वैल्यूज़ दे रहा है, ऑड वैल्यूज़ दे रहा है। तो चाहे तो आप यहाँ पर कितने का भी इंक्रीमेंट करा सकते हैं, वो आपके बेसिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था जो 1 से लेकर 100 तक की गिनती को प्रिंट करा रहा है। अब इसी में अगर हम इस प्रोग्राम को एनहांस करते हैं, यानी कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100 या प्रिंट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए दो चीज़ें हैं। या तो देखिए, जैसे मैंने ये प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है, आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पर 2 दे देती हूँ और अब आप इसको रन कराएंगे, कंपाइल कराया और उसके बाद रन कराया, तो देखिए आपका पूरे इवन नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये तरीका क्या हो गया, ये तरीका आपका एक शॉर्टकट तरीका हो गया। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर
बिटवीन 1 to 100। तो क्या करना है यहाँ पर हमको, इसके लिए हमने आई ले लिया है, यहाँ पर मैंने लूप लगा दिया है। सपोज मैंने यहाँ से आई 1 से ही लगा दिया है लूप और 100 तक लगाया है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, आई प्लस प्लस कर दिया है। अब क्या करना है मुझको, यहाँ पर कंडीशन लगानी है। कंडीशंस इवन नंबर की क्या कंडीशन होती है कि अगर आई मॉड 2 डबल इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि इवन नंबर क्या हो चाहिए, दो से डिविजिबल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर मैंने ले दिया, चाहे तो आप यहाँ पर इवन नंबर लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आई को प्रिंट करा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया बंद, और यहाँ से मैंने फॉर लूप बंद कर दिया है। अब इसको अगर आप कंपाइल कराते हैं सक्सेस और फिर रन कराते हैं, तो देखिए आपके सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं। आप चाहें तो इसको हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100, इसको स्लैशन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए। देखिए हर एक लाइन को समझना पड़ेगा कि कौन सी लाइन हम क्यों लिख रहे हैं और कहाँ लिखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपके आ रहे ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अब देखिए इसी में अगर हमें सपोज ऑड को बढ़ाना है, तो चाहें तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट से, या फिर सेम फंडा ही आपका है कि आप फिर से यही चीज़ जो मैंने लिखी हुई है, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है वो दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। नॉट इक्वल्स टू 0 लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने इसी को लिया, सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से किया मैंने कंट्रोल इंसर्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और दे दिया मैंने यहाँ से शिफ्ट इंसर्ट। तो देखिए क्या हुआ है कि आपका जो ऊपर का जो कंटेंट था, ये वाला जो कंटेंट है वो नीचे कॉपी हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, कंडीशन चेंज करनी है। इसको करना है नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0 किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, अब यहाँ पर सेम मैसेज हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, प्रिंट एफ, यहाँ से दे देती हूँ स्लैशन ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 100 स्लैशन। आप इसको कंपाइल करा लेते हैं सक्सेस एंड देन रन करा लेते हैं। तो देखिए ऊपर आपके जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो कंडीशन के बेसिस पर हम यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको दो प्रोग्राम बताए हैं, एक तो सिंपली मैंने 1 से लेकर 100 तक की गिनती आपको बता दी है, और दूसरा प्रोग्राम मैंने इवन ऑड का आपको बताया है। अब एक प्रोग्राम मैं और आपको बता देती हूँ। हम ये अलग प्रोग्राम बनाते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। हम यहाँ पर फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है वो बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी सेम फंडा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टोरियल नंबर वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया यहाँ पर 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमें यही जो कैलकुलेशंस है उसको यहाँ पर जनरेट करना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, यानी जो भी नंबर है उसका जो नंबर होगा उसको हमें उतने टाइम तक
इंटू करना, नहीं 5 इंटू जाकर 4 देते, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, हमें एक नंबर इनपुट कराना है, तो उस नंबर के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया है, एक लूप चलाना है उसके लिए हमने आई ले लिया है, और एक हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे तो उसके लिए हमने ले लिया है एफ। तीन वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद स्क्रीन क्लियर करा लेंगे। अब लूप लगाना है, चूँकि लूप इसलिए लगाना है क्योंकि आपका जो है ये काम रिपीट हो रहा है। फैक्टोरियल में क्या हो रहा है, 5 से लेकर के 1 तक हमें लूप चलाना है, यानी 1 से लेकर 5 तक। आप चाहे इसको रिवर्स ऑर्डर में भी चला सकते हैं, या आपको उसको असेंडिंग में चलाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब हम इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। तो अगर हम यहाँ पर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू से इंटू करेगा, तो आंसर हमारा अनएक्सपेक्टेड आएगा। तो हम एफ में क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं पहले से ही। तो अब एक मैसेज टाइप कर देते हैं, प्रिंटर एंटर अ नंबर, स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंट एनओ। ये सब चीज़ें हम आप लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एनओ, और आई का इंक्रीमेंट। यहाँ पर देखिए लिमिटेशन क्यों लगाई, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यूज़र कितने नंबर तक फैक्टोरियल चाहता है। तो यहाँ पर मैंने एनओ तक लूप चलाया ताकि कंट्रोल हो सके। अगर यहाँ पर फिक्स वैल्यू दे देंगे तो फिक्स वैल्यू का मतलब है, से एक से लेकर अगर 5 दिया तो 5 तक चलेगा, फिर यूज़र कुछ भी इनपुट करता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नंबर का मतलब है यूज़र जो नंबर इनपुट करेगा वहाँ तक आपका ये फैक्टोरियल निकाल के आपको दे देगा। अब करना क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आई, और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। और यहाँ पर एक लास्ट मैसेज, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। अब यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल जो निकला हुआ है एफ से हम प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पर ये बंद, उसके बाद गेट सी एच लगा दिया, और यहाँ पर क्लोजिंग कर। अब इसको हम लोग यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल सक्सेस हो गया है, उसके बाद रन करा लेते हैं। अब नंबर सपोज मैंने यहाँ पर 5 दिया, तो 5 भी क्या दे रहा है, 120 दे रहा है। अब अगर आप सपोज़ यहाँ से फिर से इसको कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं, तो आप यहाँ पर सपोज 3 देंगे तो 3 का फैक्टोरियल निकालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वहाँ तक आपका प्रोग्राम चलेगा जहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं, 6, 7, 20। अब देखिए एक लिमिटेशन है, अगर सपोज़ यहाँ पर 7 देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, और अगर फिर से हम इसको रन कराते हैं, यहाँ पर सपोज़ मैंने 8 दे दिया है, 8 देखिए माइनस में चला गया। माइनस में क्यों चला गया है, माइनस इसलिए चला गया है क्योंकि ये हमारी रेंज के बाहर चला गया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये सब चीज़ें भी डिस्कस की हैं कि जो हमारे इंटीजर है, इंटीजर में हमारे जो केवल 2 ही बाइट यूज़ होता है, जैसे लॉन्ग इंट अगर लेते हैं तो ये आपका ये वैल्यू ले सकता है, ठीक है। चूँकि इंटीजर टेक 2 बाइट, लॉन्ग इंट टेक 4 बाइट, तो अगर आप चाहें तो लॉन्ग इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपकी वैल्यू आप चाहे जो भी दें यहाँ पर, 10 तक की वैल्यू भी या 11 तक की वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकता है। तो गाइस ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है वो आपका मैंने फैक्टोरियल का भी दे दिया है, इवन ऑड के भी दे दिए हैं, या आपके सिंपल जो फॉर लूप यूज़ किए जाते हैं उनके आपके जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको दिए हैं। तो आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसमें कोई भी किसी प्रकार का कुछ क्या पार्ट आपको इसमें अच्छा लग रहा है, या कोई भी लाइन में अगर कोई डाउट होता है, या फॉर लूप के बारे में कोई सिंटैक्स या कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसको मुझे पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। और हम नया जो चैप्टर है आगे का, जो नेस्टेड लूप होगा, वो हम आगे जल्दी ही लेकर के आएंगे। टिल देन, बाय बाय।